हम इस मौके पर उन दोनों ग्रेट में आप चरणों में नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और आप सबको उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन हमारे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिन है, वो हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। मैं ये कहूँगा इन दोनों ही महापुरुषों ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया, हमारे देशवासियों को बहुत कुछ दिया और एक रास्ता दिखाया। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के योगदान को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में सराहा जाता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उसके अलावा वो स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्होंने स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और मोदी जी ने स्वच्छता को, उनके जो नारा था स्वच्छता, उसको आगे बढ़ाया और आज हिंदुस्तान पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्वच्छ है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसमें अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा और बढ़ाया और मोदी जी ने जय जवान जय विज्ञान जय किसान के साथ साथ जय अनुसंधान को आगे बढ़ाया। तो मैं कहूँगा इन दोनों लोगों ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आज इस मौके पर हम उनके चरणों में नमन करते हैं और उनसे और अपनी ओर से उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का। आज आपका रंजीत जी साथियों, ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी एवं सर्जन जन कल्याण सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व वर्षों की भांति परम आदरणीय परम श्रद्धे महात्मा गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने यहाँ पर उनकी जयंती का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया। और इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो कि संस्था के संरक्षक भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं, कार्यक्रम के अध्यक्षता बड़े भाई सी.एस. शर्मा जी, जो कि संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, विशेष अतिथि के रूप में नंदा अग्रवाल जी, रचना सक्सेना जी, प्रतिभा जौहरी जी और भावना गौतम जी यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ ही साथ विशाल मेहरोत्रा जी, मनीष रस्तोगी जी और सत्यन प्रकाश जी यहाँ पर संस्था कार्यक्रम उपस्थित रहे। संस्था ने पूर्व वर्षों की भारतीय संस्था के लक्ष्य श्री गंगा गौ बेटी परम बचाओ देश बचाओ सारे तो धन महादान, तो इस अवसर पर हम लोगों ने सभी को एक संकल्प दिलवाया और समस्त देशवासियों से हम सबका आग्रह है कि जब गंगा बचेगी तो देश बचेगा, बेटी बचेगी तो घर बचेगा और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और रक्तदान करने से जहां एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाता है, तो हम सबको रक्तदान के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। हमारे बीच नंदा अग्रवाल जी ने, अभिषान मेहता जी ने, बड़े भाई सी.एस. शर्मा जी ने, मनीष रस्तोगी जी, रचना सक्सेना जी, प्रतिभा जौहरी जी, भावना गौतम जी ने जो अपना कीमती समय दिया, भाई विशाल श्रीवास्तव जी, ये सभी ने, धीरज कुमार जी, सभी ने अपना पूरा समय दिया, खासकर भाई अमरजीत जी का भी। संस्था का परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है कि आपका संस्था को हमेशा ही अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।